आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। पहले मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा, फिर इस प्रोग्राम को कंप्यूटर पे रन करके हम लोग देखेंगे, और इसके बेस पर जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन दिए थे वैसे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। बात को समझे, कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग बात करते हैं इफ एल्स की। अगर जो बेसिक प्रोग्रामिंग होती है उसमें हम लोग केवल इनपुट करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, मतलब स्टेटमेंट लिखते हैं प्रोसेस की, और लास्ट में हम उसको प्रिंट कर देते हैं। लेकिन यदि मैं आपको कंडीशन लगाने को कहता हूं, यदि यानी कि इफ का यूज करना चाहता हूं, तब मैं यूज करता हूं कंडीशनल स्टेटमेंट का। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हम लोग चार तरीके इफ एल्स में यूज करते हैं। अगर मेरे पास में एक ही कंडीशन है तब तो मैं यूज करूंगा इफ का। अगर मेरे पास दो कंडीशन है जैसे कि इवन वैल्यू ओड वैल्यू, तो मैं इफ एल्स का यूज करूंगा। प्रोग्राम को रन करके भी हम लोग देखेंगे लास्ट में, ताकि जो क्वेश्चन मैं आपको दूं वो क्वेश्चन आप करके देखेंगे, अगर आपसे उसका सॉल्यूशन ना हो तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। तीसरा जो चीज है वो है लैडर इफ एल्स। मोर देन वन कंडीशन लैडर इफ एल्स हो जाएगा, और अगर एक के अंदर दूसरा इफ एल्स अगर हम यूज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। सबसे पहली चीज हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। मैंने आपको बताया था कि नए कंपाइलर में यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा जाता है, क्योंकि एसटीडी के साथ ही सी इन सी आउट यूज होते हैं, तो डॉट एच इसमें नहीं लगाया जाता। सारे अक्षर स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, मेन लिखा जाएगा। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या क्या होते हैं इफ एल्स में, फिर हम लैडर इफ एल्स में देखेंगे। क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो अगर हमें कोई कहे कि हमें ये बताएं कि इवन वैल्यू या ओड वैल्यू कौन कौन सी है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको कह दूं कि लीप ईयर है या नहीं है या नॉट लीप ईयर है, मतलब जैसे 4 सालों में जो ईयर्स आते हैं, जो 29 डेज के हमारी फरवरी होती है वो है या नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है जैसे मैं आपको कह दूं वोवल कंसोनेंट है या नहीं है, तो ये हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं। इसी तरह से अपर केस है या लोअर केस वैल्यू है वो हम लोग इस पे चेक कर सकते हैं। पहले आप लोग करके देख लीजिएगा, नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका भी आपको वीडियो बना के समझा दूंगा। और इसी तरह से इवन ओड लीप ईयर नॉट लीप ईयर, मान लो दो संख्या में ए और बी है, दो संख्या में बड़ी वैल्यू, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन टू वेरिएबल। चलिए हम लोग बात करते हैं इवन ओड से। इवन वैल्यू क्या होती है, हमें पता है कि जिसमें दो का डिवाइड होता है वो इवन वैल्यू होती है, और दो से अगर डिवाइड नहीं होता है तो वो वैल्यू ओड वैल्यू कहलाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर ए, क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल को देखना है कि क्या वो वैल्यू वो इवन है क्या वो वैल्यू ओड है। ये नहीं सोचना कि इवन और ओड दो वर्ड है तो दो अलग अलग हमें उसको यूज करना है। इवन अलग है, ओड अलग एक मैसेज है, लेकिन चेक कितने किसको कर रहा है, एक ही वेरिएबल को, ए को। तो हमने उसको इंटीजर टाइप का ले लिया। सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पर मैसेज देंगे, तो सी आउट हमने क्या मैसेज दिया, एंटर द वैल्यू, कुछ भी दे सकते हैं। डबल कोट से शुरू किया, डबल कोट्स बंद किया, लास्ट में लगाया सेम। इनपुट करवाना है तो हमने क्या लिखा, सी इन ए, ए को हमने इनपुट करा लिया। फिर हमने क्या कहा कि यदि ए के अंदर, यदि मैंने कहा कि दो से डिवाइड करने, ये जो सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस, और ये आपको देता है रिमाइंडर। परसेंटेज का जो सिंबल है वो आपको क्या देता है, रिमाइंडर। तो दो से कोई चीज अगर डिवाइड हो रही है और इक्वल्स टू हमारे जीरो बच रहा है, इक्वल्स टू डबल लगाया जाएगा, क्योंकि सिंगल इक्वल्स टू वैल्यू को एक जगह से दूसरी जगह असाइन करता है, और जो डबल इक्वल्स टू है वो कंपेयर करने का काम। तो आप ये कहते हैं कि दो का भाग लगने पर क्या जीरो बच रहा है क्या। तब आपने क्या कहा, सी आउट ये जो वैल्यू है ये हमारी कैसी वैल्यू है, इवन वैल्यू है, और एल्स ये जो वैल्यू है ये हमारी ओड वैल्यू है। कर्ली ब्रेसेस आपने कर दिया क्लोज। अब चलिए हम इसको रन करके देख लेते हैं। अब देखिए
प्रोग्राम को हम लोग टाइप करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा हैज, जैसे कि ऊपर ऊपर हमारी जो हेडर फाइल है हमने लिखा हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और बंद कर दिया, फिर वही सेम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और फिर आपने लिखा मेन कर्ली ब्रेसेस। आपको वेरिएबल लेना था, एक वेरिएबल इंटीजर ए सी आउट, सबसे पहले मैसेज लेंगे आप, एंटर द वैल्यू, आपने इनपुट किया सेल ए, आपने इनपुट किया, फिर आपने कंडीशन लगाई यदि ए में मॉडुलस टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू जीरो है तो का भाग लगने से इवन बच रहा है। आपने लिखा सी आउट, मैसेज लिखा इवन वैल्यू और एज सी आउट ओड वैल्यू, सिंपल सा प्रोग्राम लिखा, सेव किया। सेव रखते वक्त ध्यान रखना कि सीपीपी के प्रोग्राम में डॉट सीपीपी एक्सटेंशन जरूर लगाएं, यहां जरूर ध्यान दे लें। अगर आपका नहीं लगाया तो फाइल में जाकर सेव फाइल एज करके डॉट सीपीपी एक्सटेंशन लगा दें। अब इसको हमने लिखा, लिखने के बाद हम लोग F9 प्रेस करेंगे। F9 हमने प्रेस किया, जो भी प्रोग्राम है जैसे अब इसमें जहाँ पे भी एरर आ रही है इसका मतलब इससे जस्ट पीछे वाली लाइन में गलती है, हमने सेमी कॉलन यहाँ लगा दिया। टाइप करते वक्त यहाँ सेमी कॉलन रह गया था, F9 हमने प्रेस किया और इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। मैंने संख्या डाली 8, इवन वैल्यू है, वापस से रन करते हैं और इस बार मैंने वैल्यू डाली 7, कैसी वैल्यू है ओड वैल्यू। अगर आपको कहा जाए लीप ईयर है तो मैं एक बार बेसिक सा कंसेप्ट बता देता हूँ। वैसे तो लीप ईयर में 4 और 400 और 100 तीनों का ध्यान रखना होता है, लेकिन अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो जस्ट यहाँ पर ही आपको केवल मैसेज को बदलना पड़ता है, लीप ईयर लिख देंगे और इधर आप लिख देंगे नॉट लीप ईयर, इतना ही चेंज आपको करना पड़ता है। और इसी तरह से अगर आपको कहा जाए ए बी में बड़ी संख्या आपको निकालनी है, दो संख्या में बड़ी संख्या, तो ए ओ बी दो वेरिएबल ले लेंगे और यहाँ पर आप ए ओ बी दो वेरिएबल ले लेंगे। कोशिश ये करना कि आप प्रोग्रामिंग खुद करें, लेकिन मैंने आपको प्रोग्राम बता दिया है तो आप इसको एक बार लिख कर रन कर ले बिना देखे। ए इज बिग क्योंकि दो वेरिएबल है, एस बी इज बिग। अब आपको सेव किया, F9 प्रेस किया, अभी दो संख्या में बड़ी संख्या आपको बताएगा। जैसे मान लीजिए आपने 5 लिखा 6 लिखा तो जो सेकंड वैल्यू थी वो B थी और वो बड़ी है। इसी तरह से अगर आपको वोवल कंसोनेंट कहा जाए या अपर केस लोअर केस कहा जाए तो मान के चलो कि वो एक करेक्टर टाइप का है तो आप करेक्टर टाइप का वेरिएबल लेंगे, करेक्टर टाइप के वेरिएबल को ही इनपुट कराएंगे, फिर आपको पता करना है वोवल है कि कंसोनेंट है तो आपने लिखा इक्वल्स टू इक्वल्स टू ए और a इक्वस टू इक्वस टू आपने लिखा e और a इक्वस टू इक्वस टू आपने लिखा i। इस तरह से आप पांचों चीजें इसके अंदर लिखेंगे a e i और o और u, और क्योंकि ये तो आपने स्मॉल लेटर लिखा है ये केवल स्मॉल लेटर को चेक करेगा, अगर आपको कहा जाए भी कैपिटल को भी देखना है तो कैपिटल वाले भी आप इसमें शामिल करेंगे और मैसेज केवल इतना सा चेंज हो जाएगा कि ये क्या है वोवल है और ये जो आपकी वैल्यू है ये आपकी क्या है कंसोनेंट है, इतना सा चेंज आपका होगा। कंट्रोल एस आपने किया, F9 आपने प्रेस किया। अब अगर मान लीजिए आपने इस पर ए प्रेस किया तो ये बता देगा कि वोवल है और इसके अलावा अगर आप कुछ भी प्रेस करेंगे जैसे आपने बी प्रेस किया तो कंसोनेंट बताएगा, बड़े अक्षर को भी कंसोनेंट ही बताएगा। इसी तरह से अगर आपको अपर केस और लोअर केस पता करना है तो अपर केस के लिए हम इसी को ले लेते हैं, मैं कहता हूँ ए या ए से तो बड़ा है और फिर मैंने एक सिंबल लगाया एंड एंड और मैंने कहा कि ये जो ए है वो जेड से छोटा है, छोटे वाले जेड से छोटा है, तो मतलब इसका मतलब ये एक छोटे थोड़े थोड़े से प्रोग्राम में चेंज करने से किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को हम समझ कर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अपर केस हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा
मैसेज है कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी है जो मैं लिख रहा हूँ वही आप मैसेज लिखे। कंट्रोल एस किया, F9 प्रेस किया। अब अगर आप इसको अपर केस लोअर केस में स्मॉल ए प्रेस करेंगे तो अपर केस आएगा, और अगर आप इसी के अंदर वैल्यू कैपिटल ए बी सी डी की डालेंगे तो ये आपको लोअर केस आपका इसके अंदर दे देगा। मतलब मैंने थोड़ा सा मैसेज गलत लिख दिया, क्योंकि छोटी ए बी सी डी है तो ये आपका लोअर केस है, और जो बड़ी ए बी सी डी है वो आपका क्या हो जाएगा, अपर केस हो जाएगा। इसको चेंज कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। तो मैंने स्मॉल ए आपका डाला तो लोअर केस आ रहा है, और इसी तरह से इसी को मैं वापस से F9 करता हूँ, और मैंने बड़ी ए बी सी डी इसमें डाली तो क्या आ रहा है, अपर केस आ रहा है। ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट इफ एल्स। अब हम लोग आगे देखेंगे लैडर इफ एल्स।